आज की इस कहानी से हम ये शिक्षा लें, एक भिखारी था, उसे सम्राट बनने की इच्छा जगी, अपनी चद्दर बिछा दी और चद्दर बिछा कर रोज भीख मांगने लगा, हांडी भरने लगा। पर कभी सोचें कि क्या भीख मांगने मांगते मांगते कोई राजा बन सकता है। वर्ष हो गए, भीख मांगता रहा, जीवन चल पड़ा, बूढ़ा हो गया और बूढ़ा होते होते एक दिन मृत्यु ने दस्तक दी। मृत्यु आ गई और उस जगह जहां वो रहता था वहां उसको वहां से ले गए। सफाई होने लगी, बड़ी मिट्टी गंदगी थी। जब वहां पे सफाई के दौरान खुदाई की गई तो वहां पर राजा का खजाना गड़ा हुआ मिला। जो भिखारी नित्य प्रतिदिन भीख मांगकर ये सोचता रहता था कि एक दिन मैं राजा बनूं, उसको ही पता नहीं कि वहां पर इतना बड़ा खजाना छुपा हुआ था। ऐसे ही हम सब सुख सुविधाएं दूसरी जगह ढूंढते रहते हैं पर खुद के जीवन में नहीं निहारते कि हमारे अंदर ही शांति कितना आनंद भरा पड़ा है हम नहीं जानते। अगर जान ले तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। आज शिक्षा धारण करें कि जीवन अपना है और अपने जीवन को आनंदित रखें।